नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 मई मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश में कोरोना संकट से जहां आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री इकोनॉमी के हालात खराब हैं, वहीं शेयर बाजार नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बजार पूंजी 3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गई है। सोमवार यानी 24 मई को BSE की बाजार पूंजी बढ़कर 218.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मंगलवार को कारोबार की शुरुआत में यह 220 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। मंगलवार को सुबह यह 271 अंकों की उछाल के साथ 50,922.32 पर खुला। गौरतलब है कि इसके पहले 4 फरवरी 2021 को BSE में लिस्टेड कंपनियों की बाजार पूंजी 200 लाख करोड़ रुपए को पार किया था। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र में विषाक्त पदार्थ के सेवन से उपचाराधीन विवाहिता की मौत होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार मौत के बाद अब गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। पीहर पक्ष को सूचना नहीं देने पर मामला संदिग्ध लगा। विवाहिता के पीहर पक्ष लोग मंडावरा के बड़ की ढाणी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। गत माह ही विवाहिता के पति की भी मौत हो चुकी है। विवाहिता की 2 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों के लिए परिवहन विभाग के निरीक्षक देवदूत बने हुए हैं। पिछले 1 महीने से परिवहन निरीक्षक फील्ड में जुटे हुए हैं और ऑक्सीजन का परिवहन कर रहे टैंकरों को एस्कॉर्ट कर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहे हैं। टैंकरों में खराबी आने पर भी कम समय में उन्हें ठीक करवाया जा रहा है। आज मंगलवार को सिरोही जिले के झाडोली में अल सुबह 3 बजे ट्रक की क्रॉस पिन टूट गई थी। क्रॉस पिन टूटने के कारण ट्रक जहां था वहीं रुक गया। परिवहन निरीक्षक श्याम सिंह हाडा ने पिंडवाड़ा के मैकेनिक को घर से लाकर उसकी दुकान खुलवाई और ऑक्सीजन के टैंकर को 2 घंटे में ही सही करवाकर उसे रवाना किया। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के कोदरिया गांव में 84 के निकट एक ईंट भट्टा संचालक ने भट्टे के पास नीम के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हरियाणा में होम आइसोलेट कोरोना संक्रमित मरीजों के योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ संस्थान में तैयार कोरोनिल दवा की किट मुफ्त बांटी जाएगी। हरियाणा सरकार ने पहले चरण में करीब 1 लाख कोरोनिल किट बांटने का फैसला लिया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि कोरोनिल किट कोरोना के इलाज और इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी कारगर है। श्री विज के मुताबिक इन किट का आधा पैसा हरियाणा सरकार कोविड राहत कोष से वहन करेगी और आधा खर्च पतंजलि की ओर से दे दिया जाएगा। बाबा रामदेव हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य ब्रांड अम्बेसडर बन रह चुके हैं। वहीं विज के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए रामदेव ने अन्य राज्य सरकारों से कहा कि वह हरियाणा सरकार की तरह कोरोनिल किट बांटने के लिए आगे आएँ। जोधपुर जिले के बनाड़ थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर 50 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पृथ्वी सिंह जाट ने निखिल निरंजन छंगानी व अन्य के खिलाफ पुत्र का मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाने का झांसा देकर 50 लाख रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व में 80% गिरावट आई है। श्री गहलोत ने आगे कहा कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद राज्य में आर्थिक गतिविधियां इस तरह से बढ़नी चाहिए कि राजस्व तेजी से मिलने लगे। मुख्यमंत्री हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद के लिए 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स सौंपने के मौके पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन लगाया लेकिन हमारी वित्तीय स्थिति यूनाइटेड किंगडम UK की तरह नहीं है, इसलिए हम आज परेशानी में हैं। लॉकडाउन के कारण हमारा 80% राजस्व घट गया है। जयपुर जिले के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में घर के बाहर टहल रही महिला की चेन तोड़कर ले जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि स्कूटी सवार एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया। महिला के परिजनों की रिपोर्ट में पुलिस ने मामला दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की सहायता से अज्ञात युवक की तलाश में जुट गई है। जोधपुर जिले के डांगियावास थाना क्षेत्र में दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद के चलते साथी ने ही अपने दोस्त की जान ले ली। पुलिस ने मामले में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में प्रथम दृष्टया कुकर्म की भी बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।